दिल्ली को 21 सितंबर को नया सीएम मिलने वाला है। आतिशी मार लेना सीएम पद की शपथ लेंगी। वो दिल्ली की तीसरी महिला सीएम होंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक आतिशी के साथ 5 और मंत्री भी शपथ लेंगे। आखिर वो मंत्री कौन होंगे? नए कैबिनेट में आतिशी सरकार क्या संदेश देने की कोशिश कर सकती है? अरविंद सरकार से आतिशी सरकार का कैबिनेट कितना अलग होगा? करेंगे बात इस सब पर इस वीडियो में। आखिर तक बने रहे हमारे साथ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्लिना के साथ गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भरद्वाज और इमरान हुसैन कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेंगे। मुकेश अहलावत भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेंगे। मुकेश अहलावत के अलावा सभी चेहरे पुराने हैं। उन्हें दलित कोटे से कैबिनेट में शामिल करने की बात सामने आई है। उनके जरिए आतिशी सीधे सीधे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को साधना चाहती हैं। पहले तो इस रेस में कोंडली से विधायक कुलदीप कुमार का नाम भी चल रहा था, लेकिन समीकरण के लिहाज से अहलावत ने बाजी मार ली। साल 2020 में मुकेश ने आम आदमी पार्टी के ही टिकट पर सुल्तानपुर माजरा से पहली बार दिल्ली चुनाव लड़ा था। उन्होंने 48,042 वोटों से ये चुनाव अपने नाम किया था। इस नए चेहरे के अलावा आतिशी के कैबिनेट में तस्वीर अरविंद कैबिनेट जैसी ही होगी, यानी नई रणनीति और पुराने चेहरों के साथ अब दिल्ली सरकार आने वाले विधानसभा के चुनावों में दाव लगाएगी। हालांकि ये कैबिनेट ये संदेश साफ तौर पर दे रहा है कि आतिशी सिर्फ विधानसभा चुनाव तक के लिए सीएम है। केजरीवाल की रणनीति के हिसाब से उन्हीं के नाम पर पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी। इसी वजह से केजरीवाल की कोर टीम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बुधवार को अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मंजूरी देने के लिए भेज दिया। साथ ही उन्होंने नई मुख्यमंत्री आतिशी के शपथ ग्रहण के लिए 21 सितंबर की तारीख का प्रस्ताव भी राष्ट्रपति को भेजा है। इधर सीएम पद से इस्तीफा दे चुके अरविंद केजरीवाल अपना सरकारी आवास छोड़ेंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बुधवार को ये कहा कि हमने सुरक्षा को लेकर उनसे कहा कि सरकारी आवास ना छोड़े, लेकिन वो नहीं माने। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।